मैसेल डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हेड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है जो काफी दूर से आए हैं, उनके हाथ में चोट लगी थी और पांव में भी चोट लगी थी। उनसे पूछते हैं उनको कैसे हमसे मिलकर आराम आया। हाँ मैडम जी, आप बताएं अपने बारे में, आप अजमेर से हैं, कि आपको चोट कैसी लगी थी और क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे आप? अजमेर से है और बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, और अमित मित्तल डॉक्टर ने किया हमारा इलाज। नहीं सर, मतलब हाथ में क्या, आप बताओ सर क्या प्रॉब्लम हो गई थी हाथ में? हाथ में नसें और कोई हाथ काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। मतलब ये यहाँ से मुड़ने वाला हो, ये पता नहीं चल रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ठीक है, जब आपके पास आए जब ये हाथ भी थोड़ा मोटा हो गया। हाँ, हाँ। पतला होता चला गया, बिल्कुल पतला हो गया था और टेढ़ा हो गया हाथ, अभी तो सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, बेटर हो गया। अच्छा ठीक है, और अब ये पता चलता है इनको? अभी पता भी चल रहा है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं इस हाथ से। अच्छा, काम छोड़ के हाथ ऐसे 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 करता, ऐसे ऐसे काम करता। अच्छा अच्छा, ओके। और किसी भी चीज को पकड़ते हुए छूट जाती है? पकड़ी वो हाथ में नहीं आती थी, हाथ में नहीं आती। और अब तो वैसे हल्की हल्की पकड़ी लेती है, मतलब थोड़े से बेटर हो गया था, टच करने का पता चल गया। पता चल गया। ठीक है, तो आप हमसे कैसे मिले थे, हमारे बारे में कैसे पता चला था आपको? हमें किसी ने बताया कि उनके पास जाओ, तो अच्छा। मैंने उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो फिर मैं आपको फोन किया था। ओके, तो फोन के लिए आपने बोले कि अभी तो लॉकडाउन है, तो मैं फिर भी यहाँ पे आ गया उस दिन लॉकडाउन लग गया, जब आप अच्छा। आप मुझे मिल गए। अच्छा, तो फिर मिलने के बाद में फिर वो लॉकडाउन लंबा चले गया, तो एक डेढ़ महीना वेट करना पड़ा ऑपरेशन के लिए। तो फिर बाद में आपने बोला कि आप आ जाओ। ओके, जब से ये हाथ आपसे कराया था तो उससे कम से कम 50% बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया, ठीक है। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था हमसे जो ट्रीटमेंट दिया आपने, जो अपने अजमेर बाकी लोगों को जो बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा था सर, बहुत हेल्प मिली आपसे। आपको कोई ज्यादा दवाइयाँ दी हमने? नहीं, ज्यादा नहीं दवाई दी, पर लेकिन फिर भी दवाई नहीं लेके भी इतना फर्क गिर गया है। ठीक है, तो इन पेशेंट के थ्रू आप ये बताना चाहते हैं, जब चोट काफी गहरी होती है और किसी भी कारणवश ऑपरेशन डिले हो जाता है, तो आप जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलकर उनको अपनी रियल प्रॉब्लम जो है वो बताएं और उनसे एक्सपेक्टेड कितना रिजल्ट आ सकता है वो पूछें और उसके बेस पर अपना डिसीजन लें। धन्यवाद।